बागेश्वर के पुलिस उपाधीक्षक अंकित कंडारी ने बागेश्वर कोतवाली का अर्धवार्षिक मुआयना करते हुए वहां कार्यरत पुलिस कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस उपाधीक्षक ने इस दौरान कोतवाली में कार्यरत पुलिस कार्मिकों का सम्मेलन भी आयोजित किया, जिसमें उनकी समस्याओं को सुनते हुए उनका निदान भी किया गया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि पुलिस हर अपराधी की गतिविधि पर नजर रखे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बोर्ड परीक्षा तथा लोकसभा चुनाव को संपन्न कराना है, इसके लिए प्रत्येक पुलिसकर्मी मानसिक तथा शारीरिक रूप से फिट रहे। इस मौके पर पुलिस कोतवाल कैलाश नेगी, उप निरीक्षक खष्ट बिष्ट, मीना रावत आदि मौजूद थे। जो हमारा जैसे अर्धवार्षिक मुआयना होता है, तो जून 2023 से लेकर दिसंबर 2023 के कार्य जो भी हैं उसका आज अर्धवार्षिक मुआयना था। तो इसमें हमारे द्वारा थाने का रखरखाव, सफाई इत्यादि, इसके अलावा जो भी हमारा रजिस्टर वगैरह होता है वो सब देखे गए। उसके बाद मेरे द्वारा सम्मेलन लिया गया सभी पुलिसकर्मियों का जो थाने में मौजूद है, तो उनसे समस्या और सुझाव पूछे गए सबसे पहले। इसके बाद जो आगामी चुनाव हमारे लोकसभा चुनाव है उसके संबंध में सभी को निर्देश दिए गए कि कैसे कैसे कार्य करने हैं, क्या क्या कार्यवाही किए जाने उनसे अपेक्षित है। और इसके अतिरिक्त जो भी अच्छा कार्य हमारे थाना पुलिस के द्वारा किया गया है उन सभी को यहाँ पे रिकॉग्नाइज भी किया गया। सीसीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।